वाराणसी में शिक्षक दिवस के अवसर पर बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन विकास भवन सभागार में किया गया, जिसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले जनपद के 45 शिक्षक, 2 ARP तथा 1 SRG को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि हिमांशु नागपाल, मुख्य विकास अधिकारी वाराणसी ने शिक्षकों को इसी तरह पूरे मनोयोग से कार्य करने और बच्चों के बेहतर भविष्य सृजित करने हेतु आग्रह किया। देखिए हमारे संवाददाता प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस जो हर वर्ष हम मनाते हैं, तो आज काशी के जो अच्छा कार्य करने वाले शिक्षक थे, आज उन्हें यहाँ बुलाया गया। हर सेक्टर में उनके ग्रेडिंग की गई, जिसमें बच्चे जिन स्कूलों में बेहतर तरीके से शिक्षण का कार्य चल रहा है वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं पूरी हैं और नए नए नवाचारों के माध्यम से बच्चों को की अटेंडेंस, बच्चों की शिक्षण व्यवस्था को बेहतर किया जा रहा है। ऐसे शिक्षकों को हमने सम्मानित किया। वाराणसी हमेशा से शिक्षा के क्षेत्र में का केंद्र रहा है और वर्तमान में भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी और जो हमारा जनपद है वो माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है, तो हर शिक्षण संबंधित जो व्यवस्था है, चाहे वो कायाकल्प हो, चाहे वो निपुण हो, चाहे अटेंडेंस हो, चाहे मिड डे मील की क्वालिटी हो, हमेशा यहाँ के शिक्षकों की मेहनत की वजह से हमेशा वाराणसी पूरे प्रदेश में नंबर 1 पायदान पर रहता है और पूरी शिक्षण टीम की ये उनके कार्य हैं कि इतने नए नए तरीके के कार्य यहाँ चलते। जी, मैं चक्रधर चंद चौबे, निपुण प्राथमिक विद्यालय मॉडल ब्लॉक सेवापुरी में इंचार्ज प्रधान अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। मेरा विद्यालय वाराणसी जनपद का प्रथम निपुण विद्यालय बना और प्रदेश जनपद ही नहीं बल्कि प्रदेश का एक ऐसा विद्यालय है जिसका की औसतन 98% उपस्थिति रहती है और विद्यालय में अभिभावकों का और बहुत ही बड़ी सहयोग है और विद्यालय के उत्कृष्ट स्तर पर पहुंच चुका है, जिसमें कि नवोदय और मेमे बच्चे सिलेक्टेड हो रहे हैं और वहां के बच्चे 100% निपुण भी हैं। और निश्चित तौर पर शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर यहां से मुझे राज्य पुरस्कार के लिए भी जिला से चयनित होकर मैं गया था। मैं डॉक्टर कुंवर भगत सिंह, इस समय जनपद का SRG हूँ और आज जो सर ने सम्मान के लिए क्राइटेरिया बनाई थी, जिसमें प्रत्येक ब्लॉक से 5-5 शिक्षक को कुछ मानक दिए गए थे, कुछ मानक पे जो सफल हुए वो 5-5 हर ब्लॉक से 5-5 शिक्षक आए थे और साथ ही उन ARPO को सम्मानित किया गया है जो ARP जिन्होंने 10 विद्यालय गोद लिया था, जिनमें सबसे अधिक विद्यालय जिनके निपुण हुए थे पिछले साल असेसमेंट में, उनमें से 2 ARPO को सम्मानित किया गया है और SRG के रूप में मुझे, क्योंकि मेरे क्षेत्र में 3 नोडल थे जिसमें कि चोलापुर। मेरा नाम छवि अग्रवाल है, मैं काशी विद्यापीठ ब्लॉक में प्राथमिक विद्यालय बनपुरवा में कार्यरत हूँ और आज हम लोगों को यहाँ CDO सर के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। जो भी हमारे बनारस के उत्कृष्ट शिक्षक हैं उन सभी का यहाँ पे शिक्षक सम्मान समारोह रखा गया है, तो हम सारे ही ब्लॉक के 12 ब्लॉक से जितने भी हमारे 5-5 टीचर्स को सम्मानित किया गया है पूरे जिले में, तो उसमें मेरा भी एक नाम था। मैं खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस होता है और हम सब उसको एक जयंती के रूप में शिक्षक